हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गन पॉइंट पे नॉलेज। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे किस तरीके से आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नया वाला अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस फॉर्म को फिल करने से पहले मैं इसमें बता दूं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। आधार कार्ड और पैन कार्ड की एक एक फ़ोटो कॉपी लगेगी और एक पासपोर्ट साइज़ की आपको फ़ोटो लगेगी। और यहाँ पे जो पूरा का पूरा फॉर्म आप भरेंगे वो कैपिटल लेटर में भरना है, और कहीं पे भी अगर आप साइन करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं तो वो आपको ब्लैक पेन से ही करने हैं, ब्लू पेन से बिल्कुल मत कीजिएगा। तो अब आइए देखते हैं इस फॉर्म को किस तरीके से आपको फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको डेट लिख देनी है। डेट आपको उस दिन की लिखनी है जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करने जाएंगे ब्रांच में। और यहाँ पे आपको ब्रांच का नाम लिख देना है, किस ब्रांच में आप अपना अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं, जैसे विकासपुरी, तिलक नगर, जो भी आपका ब्रांच है वो लिख देना है। और एप्लीकेशन टाइप में आपको न्यू के ऊपर टिक करना है कि हम नया अकाउंट ओपन कर रहे हैं, इसलिए हमने न्यू के ऊपर टिक कर दिया है। अब यहाँ पर पर्सनल डिटेल में यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम है। ये आपको नाम आधार कार्ड से देख के ही लिखना है, क्योंकि बिल्कुल भी स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आपका कोई मिडल नेम है तो यहाँ पे डालना है, अगर नहीं है तो इसे खाली छोड़ देना है। और यहाँ पे आपको सर नेम या लास्ट नेम, जो भी आपका कास्ट है वो यहाँ पे डाल देनी है। सर नेम, लास्ट नेम, कास्ट, जो भी आपका है। मेरा शर्मा है तो मैंने शर्मा डाल दिया। ओके, अब यहाँ पे मेडन नेम को आपको छोड़ देना है। डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे आपको अपनी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। जेंडर में अगर आप लड़के हैं तो मेल के ऊपर टिक कर देना है, लड़की हैं तो फीमेल के ऊपर टिक कर देना है। और यहाँ पे मैरिड स्टेटस बोले तो आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, तो अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पे मैरिड के ऊपर टिक करना है, अगर शादी नहीं हुई है तो यहाँ पे आपको सिंगल के ऊपर टिक कर देना है। और यहाँ पे नेम ऑफ में आपको बताना होता है कि आपकी शादी हुई है या नहीं है। जैसे कि अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पे आपको स्पाउस के ऊपर टिक कर देना है, और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो यहाँ पे फादर के ऊपर टिक कर देना है। ठीक है, जिसके ऊपर भी आप टिक करेंगे उसका नाम लिख देना। स्पाउस का मतलब पति या पत्नी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जिसके ऊपर भी आपने टिक किया उसका नाम आ जाएगा और उनकी कास्ट आ जाएगी। ठीक है, जैसे अगर आपने फादर के ऊपर टिक किया तो यहाँ पे आपको फादर का नाम लिखना है, और अगर स्पाउस के ऊपर टिक किया बोले तो पति या पत्नी के ऊपर टिक किया तो यहाँ पे आपको पति या पत्नी का नाम लिख देना है। अब नंबर ऑफ डिपेंडेंस में कि कितने मेंबर आपके फैमिली में हैं तो वो आपको बता देना है। मेरे फैमिली में 5 मेंबर है तो मैंने 5 लिख दिया। इलिटरेट बोले तो आप अगर अनपढ़ हैं तो यहाँ पे आपको यस करना है, और अगर आपको पढ़ा लिखा है बोले तो आपको सब कुछ पढ़ा लिखना आता है तो यहाँ पे आपको 9 के ऊपर ही टिक करना है, यस के ऊपर बिल्कुल टिक मत कीजिएगा। अब नेम ऑफ द गार्जियन में आपको कुछ नहीं भरना है, क्योंकि ये 18 साल से नीचे है बोले तो माइनर के लिए होता है, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है। नेम ऑफ द गार्जियन में कुछ नहीं भरना है। यहाँ पे नेशनलिटी में यहाँ पे आपको इंडिया कर देना है, कंट्री नेम में आपको इंडिया लिख देना है, सिटीजनशिप में भी यहाँ पे इंडिया लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्यूपेशन टाइप क्या होता है कि आप क्या काम करते हैं। देखिए, अगर आप अपना काम करते हैं बोले तो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जैसे कि आप कोई बाजार में फेरी लगाते हैं, या आप लकड़ी का काम है, या लोहे का काम है, या कोई भी ऐसा काम जो आप खुद करते हैं, यहाँ पे आपको सेल्फ एम्प्लॉयड के ऊपर टिक कर देना है। और अगर आप कोई काम नहीं करते, आप स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट के ऊपर टिक कर देना है। और अगर आप कोई जॉब करते हैं, जैसे कि अगर आप किस सेक्टर में जॉब करते हैं ये आपको बताना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर में करते हैं तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में कर देना है, पब्लिक सेक्टर में करते हैं तो पब्लिक सेक्टर में कर देना है, अगर आप गवर्नमेंट के लिए करते हैं तो किस गवर्नमेंट के लिए करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए करते हैं या स्टेट गवर्नमेंट के लिए करते हैं, ये बता देना है। ठीक है, तो आपको पता चल गया किस तरीके से फिल करना है। और बाकी इधर आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। यहाँ पे जो आपका आ रहा है 14 नंबर पे एनुअल इनकम, अगर आपकी एनुअल इनकम कुछ है तो यहाँ पे लिख देनी है। अगर एनुअल इनकम बोले तो साल में आप कितने रुपए कमाते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको बता देनी है। अगर आपकी है तो कुछ लिखना है, अगर नहीं है तो कोई इसे खाली छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी रिलीजन बोले तो आपका क्या धर्म है, अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू के ऊपर टिक कर दिए, मुस्लिम है तो मुस्लिम के ऊपर टिक कर दिए, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन पे, सिख है तो सिख पे, और कोई अगर आपकी अदर कास्ट है बोले तो अदर कोई धर्म है तो यहाँ पे अदर के ऊपर टिक करना है, जो भी आपका धर्म है यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे कैटेगरी पूछी जा रही है, तो कैटेगरी में अगर आप जनरल हैं तो जनरल के ऊपर टिक कर दीजिए, ओबीसी है ओबीसी पे, एससी है एससी पे, एसटी है तो एसटी पे टिक कर देना है। एम यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी बोले तो अगर आपको कोई भी दिक्कत है, जैसे देखने में दिक्कत है, सुनने में दिक्कत है, या आपके हाथ पैर में दिक्कत है, किसी टाइप की प्रॉब्लम है, आप अनफिट हैं तो यहाँ पे आपको यस के ऊपर टिक करना है। और अगर आप पूरी तरीके से फिट हैं, आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स है, फिट है, तो यहाँ पे आपको नो के ऊपर ही टिक करना है, यस के ऊपर टिक बिल्कुल मत कीजिएगा। अब यहाँ पे आ जाता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर आपने 9th क्लास तक पास किया, जैसे 7th क्लास पास किया, 8th क्लास पास किया, या 9th क्लास तक आपने पढ़ाई कर रखी है तो यहाँ पे आपको आपके 9th क्लास में टिक कर देना है। और अगर आपने 10th क्लास पास कर लिए है तो यहाँ पे आपको 10th क्लास पे टिक कर देना। और अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएशन कर देना। और अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है तो यहाँ पे पोस्ट ये ग्रेजुएशन के ऊपर टिक कर देना। और अगर आपने ग्रेजुएशन भी कर ली है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर ली है, तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन के ऊपर टिक कर देना है। ठीक है, और अगर आपने कुछ भी नहीं किया है, इलिटरेट है, यहाँ पे इलिटरेट बोले तो अगर आप अनपढ़ हैं तो यहाँ पे अनपढ़ के ऊपर टिक कर देना है। ठीक है,
अब यहाँ पे आपको नन के ऊपर ही टिक करना है। यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड और सॉरी पैन कार्ड का नंबर लिख देना है पूरा, ठीक है, जो भी आपके पैन कार्ड है उसके देख के लिख देना है। और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है, मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको अपना ही देना है, किसी दूसरे व्यक्ति का मोबाइल नंबर बिल्कुल मत दीजिएगा। यहाँ पे ईमेल आईडी है, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी लिख देनी है, जो भी आपकी ईमेल आईडी है कंप्लीट। यहाँ पे टेलीफोन वगैरह नंबर है जो कि आप बंद हो चुके हैं, तो इसे कुछ भी मत कीजिए, इसे खाली छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे आपसे एड्रेस प्रूफ मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में हम अपना आधार कार्ड दे देंगे, ठीक है, ये जो ऑप्शन है आधार कार्ड लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको टिक कर देना है, और यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड का पूरा कंप्लीट नंबर दे देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एड्रेस कैसे देना है, यहाँ पे करंट के ऊपर टिक करना है और यहाँ पे रेजिडेंट के ऊपर टिक कर देना है, और जो भी जहाँ पे भी आप अभी रह रहे हैं करंट में वो करंट एड्रेस यहाँ पे लिख देना है अपने आधार कार्ड से देख कर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है सिटी, तो जो भी आपकी सिटी है, मेरी दिल्ली है, मैंने दिल्ली लिख दिया, तो जो भी आपकी सिटी है वो लिख दिया। स्टेट बोले तो राज्य, राज्य जो भी आपका है वो लिख दिया, मेरा दिल्ली है, मैंने दिल्ली लिख दिया। पिन कोड जो भी आपका पिन कोड है वो लिख दीजिएगा, पिन कोड मेरा ये है, मैंने लिख दिया। कंट्री नेम में आपको इंडिया लिखना है, क्योंकि मेरा कंट्री नेम भी आपका भी कंट्री नेम एक ही होगा, सेम ही होगा। और अगर आपके पास कोई दूसरा एड्रेस है, अगर कोई अदर एड्रेस है, तो यहाँ पे आपको भरना है, जैसे कि हमने ऊपर भरा सेम वैसे ही आपको कर देना है। और अगर आपके पास कोई दूसरा एड्रेस नहीं है, जो आपने ऊपर भरा वही आपके पास एक लौता एड्रेस है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेम एज करेंट और परमानेंट के ऊपर टिक कर देना है, ठीक है। तो भाई ये नीचे चलते हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे यस के ऊपर टिक कर देना है, यहाँ पे आपको ये पासपोर्ट साइज फोटो लगा देनी है, यहाँ पे आपको ब्लैक पेन से एक सिग्नेचर कर लेने हैं, बाकी यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेविंग अकाउंट के ऊपर टिक कर देना है, और ये जो अकाउंट है हम अकेले खुद ऑपरेट करेंगे, चलाएंगे, तो यहाँ पे सेल्फ के ऊपर टिक कर देना है, क्योंकि हम ही और कोई नहीं, हम ही इस अकाउंट को चलाएंगे। अब सर्विस रिक्वायर्ड बोले तो आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से क्या क्या सर्विसेज चाहिए, जैसे कि एटीएम कार्ड, पासबुक, तो इस तरीके की सर्विस कौन कौन सी चाहिए, तो आपको यहाँ पे बता देना है, यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेंट के सामने टिक कर देना है, और जो भी आप अपने डेबिट कार्ड के ऊपर नाम रखना चाहते हैं वो नाम आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। आपके डेबिट कार्ड के ऊपर वो प्रिंट होकर आ जाएगा। अब कौन सा डेबिट कार्ड चाहिए, रुपये का चाहिए, वीज़ा का चाहिए, मास्टर का चाहिए, तो ये आपको बता देना है, मेरी मानिए तो रुपए के ऊपर आपको टिक कर देना है, ठीक है। अब अगर आपको चेकबुक चाहिए तो यहाँ पे चेकबुक के ऊपर आपको टिक करना है, अगर नहीं चाहिए तो खाली छोड़ दीजिए। यहाँ पे एसएमएस अलर्ट के ऊपर टिक कर दीजिए। मोबाइल बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग की ज़रूरत नहीं है, और मेरे को नहीं लगता कि आपको की ज़रूरत होगी। तो जिस ये देखिए तीन चीज़ों के ऊपर, तीन चार चीज़ों के ऊपर आपको टिक कर देना है, जो कि इंपॉर्टेंट रहती है सभी के लिए, ठीक है। तो इन जैसे जैसे मैंने टिक कर रखा है वैसे वैसे आप भी टिक कर लीजिए, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ज़रूरी हैं, फ्यूचर में काम आएगी आपके भी, तो इसलिए इनके ऊपर टिक कर लीजिए, ठीक है। तो भाई ये नीचे चलते हैं, फिक्स डिपॉजिट वगैरह इसे हमें नहीं करवाना है कुछ भी। अब यहाँ पे लास्ट अपना नॉमिनी फॉर्म आ जाता है, नॉमिनी किस लिए भरा जाता है हमें, देखिए अगर इन केस हम मर जाते हैं, हमारी डेथ हो जाती है, तो जो हमारे बैंक अकाउंट पे पैसा पड़ा हुआ है वो पैसा किस व्यक्ति को हम देंगे, ये बात हम बैंक को पहले ही बता देते हैं, किस फॉर्म के ज़रिए, नॉमिनी फॉर्म के ज़रिए, ठीक है। तो अब किस तरीके से हमें इस फॉर्म को भरना है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है, जो भी आपका अपना नाम है, और यहाँ पे आपको ब्रांच का नाम लिख देना है, जो भी ब्रांच का नाम है, और इसके ऊपर आपको टिक कर देना है, ठीक है। इतनी चीज़ें करने के बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको बताना है नॉमिनी का नाम वगैरह। तो यहाँ पे नॉमिनी का नाम पूछा जाएगा, तो यहाँ पे जिस भी व्यक्ति को आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उस व्यक्ति का यहाँ पे नाम आ जाएगा, और उसी व्यक्ति का यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिख देना है, और उस व्यक्ति के साथ आपका क्या रिलेशन है वो आपको यहाँ पे बता देना है, जो भी रिलेशन है वो यहाँ पे बता दिया, और उस व्यक्ति की कितनी एज है वो आपको बता देनी है, ठीक है। क्लियर हो गया किस तरीके से आपको नॉमिनी, थोड़ी सी डिटेल है किस तरीके से भरनी पता चल गया होगा। और अब यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर कर लेने, ब्लैक पेन से करने हैं, यहाँ पे भी सिग्नेचर कर लेने हैं, ब्लैक पेन से करने हैं। और अगर आप नॉमिनी नहीं बनाना चाहते हैं तो बस आपको इसके ऊपर टिक करना है, और यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने हैं, यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं, ऊपर सिग्नेचर फिर मत कीजिएगा, ठीक है। अगर आप नॉमिनी नहीं बनाना चाहते हैं तो ऐसा करना है, अगर आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो भाई ये नीचे चलते हैं, बाकी इधर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, टर्म एंड कंडीशंस हैं, तो इसके ऊपर आपको टिक कर देना है, और यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देने हैं, यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं, और लास्ट यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देने हैं, यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देने हैं। बाकी ये सब फॉर्म जो है आपके लिए नहीं है, ये माइनर वगैरह जो होंगे उनके लिए भरना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा किस तरीके से आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नया वाला अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल करना है। अगर आपको पुराना अकाउंट ओपनिंग फॉर्म मिला है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके देख लीजिए किस तरीके से आपको पुराना वाला का अपना यूनियन बैंक का जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है उसे फिल करना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आ गई है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।